हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में जो घंटी होती है साइड में उसको ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज है संडे और मैंने कल एक वीडियो का जो है फ़ोटो पोस्ट किया था कि कल संडे होगा और जो भी कमेंट करेंगे या उससे पहले जो भी कमेंट आपने करके रखे थे उन सभी का मैं आंसर आज दूंगा। तो मैंने इस पेज के अंदर जो है मैंने ये लिख के रखे हैं 10 क्वेश्चन आपके। तो क्या वो क्वेश्चन है, क्या उस आंसर है, उनके सब कुछ आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, वह है मनोज सोनवाने का कि आपको कितना पैसा मिलता है एक महीने का टैंकर का। तो देखिए, फ़िलहाल मैं टैंकर नहीं चला रहा। जब मुझे टैंकर चलाता था मैं, तो ड्राइवर की तनख्वाह 15,000 रुपये और कंडक्टर की तनख्वाह 8,000 रुपये थी। जो मैं 3-4 महीने पहले चलाता था उसकी मैं जो है तनख्वाह बता रहा हूँ। तो एक टैंकर चलाने की इतने आपको पैसा मिलता है, और वो सब अलग पंप के हिसाब से पैसा मिलता है। कौन कितना मालिक उसको पैसा देता है, कितने चक्कर होते हैं, चक्कर के हिसाब से पैसा मिलता है। अब ये बात तो आप भी मानते हैं कि महीने में अगर मैं 1, 2 या 3 चक्कर लगाऊंगा तो कोई मुझे 25,000 रुपये नहीं देगा। उसी के हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे कि हाँ भाई 3 चक्कर ये लगा रहा है, तो उसी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। ये कोई सरकारी रेट नहीं होता, सरकारी कोई तनख्वाह इसकी नहीं फिक्स होती कि सरकार की तरफ से हमें पैसा मिलता है। ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, गाड़ी के मालिक होते हैं, जिनकी गाड़ी होती है वो हमें तनख्वाह देते हैं। ये जो कंपनी है ये सरकारी है, गाड़ी सरकारी बिल्कुल नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रेम हिंदा, शानदार गुरुदेव 10 किलोमीटर। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया कमेंट मुझे लगा। तो इनका क्वेश्चन है कि भाई कि गुरुदेव, मैंने आपको सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूँ, मैं कोई गुरुदेव नहीं हूँ, मैं आपके जैसा भाई हूँ। बस थोड़ी सी नॉलेज रखता हूँ गाड़ी के प्रति। आप मुझे अच्छा मानते हो तो मैं भी आपको अच्छा मानता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो इनका कहना यह है कि भाई, मैंने आपकी वीडियो देख देख कर जो है एक 14 चक्का गाड़ी मैंने चलाई है, और वो भी 10 किलोमीटर में ट्रैक्टर चलाता था। तो भाई, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी कि आपने मेरी वीडियो को देख कर या मुझे देख कर इतना कुछ काम किया है। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना सहयोग दिया, इतना प्यार दिया, मेरी सभी वीडियो को देखा, तो कुछ आपने सीखा, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विष्णु प्रजापति, मुझे टाटा 3118 गाड़ी खरीदनी है। तो भाई, जब भी आप कमेंट करें एक फुल कमेंट कीजिए। अब इसमें आपने लिखा है कि भाई मुझे 3118 गाड़ी खरीदनी है, इसका मार्क्सर आपको क्या दिए बताइए। देखिए, खरीदनी है आपको ये लिखना था कि नई न्यू खरीदनी है या पुरानी खरीदनी है। तो देखिए, मैं फ़िलहाल तेल के टैंकर के साथ रहा हूँ, वो गाड़ी मेरी 3118 ही थी। तो उसको लेने की अगर आप सोच रहे हो तो उसका अभी टाइम नहीं हुआ है, उसे 5 साल हुए हैं चलते हुए। और डिपो के अंदर, तेल के डिपो के अंदर आपको जब तक गाड़ी आपकी 10 साल तक की मियाद होती है, 10 साल के बाद आप गाड़ी को वहाँ से हटा सकते हैं। कंपनी खुद उस गाड़ी को हटा देगी, इतने आपकी गाड़ी को कोई नहीं हटा सकता। उसके बाद आप गाड़ी डिपो से ले सकते हैं। 3118 गाड़ी आपको ख़रीदनी है तो एक दमदार गाड़ी है टाटा की। इसमें आपको 6 गियर मिलते हैं। तो मैंने बहुत सी वीडियो टाटा 3118 की, माई फर्स्ट वीडियो थी, उससे ही मेरे चैनल का ग्रो हुआ है। और सब कुछ जो है आज यूट्यूब पर उसकी देन है, और कुछ भी नहीं है। तो उस गाड़ी को मैं बुरा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, और मैंने उसको चलाया है अच्छी तरह का, मैंने उसको रखा है। 12 टायरी गाड़ी थी, बहुत ही बढ़िया गाड़ी थी। आप चाहे तो ले सकते हैं, न्यू ले सकते हैं, पुरानी ले सकते हैं। लौह का कोई पुराना नहीं होता, जैसे ही पार्ट आप नए डालते हो तो नहीं हो जाती है। तो ले सकते हैं, और कॉमेंट आप कर देना कि आपको न्यू चाहिए या पुरानी। आई एम वेटिंग फॉर यूर मैसेज। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्ताज अलमदन, इंडिया की जनता को ड्राइविंग सिखाने के लिए। तो ये मैंने थोड़ा जल्दी में लिख दिया था क्योंकि दूसरा फ़ोन मैं घर पे भूल आया, तो यहीं पे लिख के मैंने, चलो वीडियो अपलोड करते हैं, ये 4 और खेत हैं।
तो इनका कहना है कि भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो कि इंडिया के लोगों को ड्राइविंग के बारे में ज्ञान देते हो, उनको एक अच्छी ड्राइविंग सिखा रहे हो। ये हर एक किसी के बस का नहीं है, इनका मानना ये है। लेकिन भाई जो मुझसे बनता है, मैं अपने भाइयों को या फिर जो भी मेरे ड्राइवर बनना चाहते हैं उनको अच्छा ही, कुछ भी अगर आप अच्छा काम करते हो तो अच्छा ही आपको दुनिया कहेगी, बुरा नहीं कहेगी। ये आपका प्यार है कि आप इतना सहयोग देते हो हमारी वीडियो को, तो मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। तो चलते एक नेक्स्ट कमेंट की तरफ। यह है पंकज कुमार। शुरू में एक गियर लगाते समय, ये बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं हमारी वीडियो पर। मैंने क्योंकि बहुत सी वीडियो ये बना रखी है कि बड़ी गाड़ी को हमेशा दूसरे गियर में उठाया जाता है, आगे की तरफ शुरुआत में जब चलाते हैं, भरी हो या खाली हो। तो बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई दूसरे ही गियर में गाड़ी कभी उठती नहीं, कभी चलती नहीं। तो मेरे भाई आपने गाड़ी को, छोटी गाड़ी को चलाया है, वो फर्स्ट गियर में चल जाती है, लेकिन जो बड़ी गाड़ी होती है वो सेकंड गियर में ही उठती है। उसके बाद आप जितना चाहे कुछ चला सकते हैं, लेकिन सेकंड गियर में उठ जाती है गाड़ी, मेरा मानना है, मैंने चलाई हुई है। आप भी चलाओगे जब आपका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि एक जानदार गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ी होती है, छोटी गाड़ी नहीं होती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नितेश कुमार का कि भाई गियर लगाते समय स्टेयरिंग दाएं बाएं होता है, एक वीडियो बनाओ। तो देखिए सीधी सी बात तो यह है, अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो वीडियो कौन बनाएगा, क्योंकि बड़ी गाड़ी चलाऊंगा तो आज के टाइम में वीडियो भी अच्छे तरीके से नहीं बनाते हैं। जो भी साथ होता है उसको कहेंगे सीधा फ़ोन रख, वो टेढ़ा कर देगा, उसको वीडियो ख़राब कर देगा। तो मैं ज़्यादातर खुद की वीडियो खुद अपलोड करता हूँ, चाहे मैं वॉइस से करूँ या फिर फेस टू फेस करूँ। अब बात यहाँ पे आती है कि भाई गियर लगाते समय गाड़ी दाएं बाएं जाती है, तो देखिए ये शुरुआत में तो आपके साथ होगा क्योंकि आप न्यू ड्राइवर हो। तो लेकिन एक रीज़न और होता है, जब मान लीजिए आपकी गाड़ी साइड दबा रही हो, तब अगर ब्रेक लगाओगे या गियर कुछ भी लगाओगे तो एक साइड को गाड़ी जाएगी, वरना नहीं जाएगी। तो स्टेयरिंग को इतना टाइट मत पकड़िए कि आप जब गियर लगाए तो गाड़ी साइड में भगे, दाएं भगे, बाएं भगे। स्टेयरिंग को बिल्कुल हल्का सा पकड़िए जिससे कोई दिक्कत आपके सामने ना आए, आसानी से गियर लग जाएगा, आसानी से ब्रेक लग जाएंगी। स्टेयरिंग को जजमेंट करना सीखिए गाड़ी का, मेन बात यह है, मेन प्रॉब्लम आपको यहाँ आती है। जब तक आप जजमेंट नहीं करोगे आपके सामने ड्राइविंग नहीं आएगी अच्छे तरीके से, आप ड्राइवर नहीं बन पाओगे। जजमेंट कैसा होता है, जजमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनिया घोष, यूट्यूब चैनल खोलना आसान है या फिर वीडियो किस कैमरे से अपलोड करें, किस फ़ोन से को खरीदे? देखिए भाई यूट्यूब चैनल खोलना आसान है, यूट्यूब वीडियो बनाना आसान है, लेकिन एक वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। या आपको शौक लगता होगा या फिर आपके मन में आया होगा कि मैं इतनी वीडियो देखता हूँ तो मैं भी एक यूट्यूब चैनल बना लूँ, बना लीजिए। अगर आप किसी चीज़ की जानकारी रखते हो तो अच्छे से एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए, उस पर रेगुलर वीडियो अपलोड कर दीजिए, आपका चैनल ग्रो होगा, मोनेटाइज होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। यूट्यूब की तरफ से पैसा भी मिलेगा, जितना आप कमाओगे उतना, ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन फ़िलहाल एक नाम काफ़ी होता है आदमी के लिए बनने के लिए। तो अब बात मैं करूँ कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा, तो भाई ये मेरे पास है रियलमी 2, इस टाइम में वीडियो फ़िलहाल शूट कर रहा हूँ, तो 13 मेगापिक्सल का कोई भी कैमरा हो, उससे ऊपर का कैमरा हो, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा हो या फ्रंट हो, एक बढ़िया वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, बढ़िया वीडियो बना सकते हैं। तो ये मेरा कहना है, आप चैनल बना सकते हैं, आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैनल बना सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और भी मेरे भाई को कुछ शिकायत हो किसी को तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।